Hey guys, how are you? I am from Radical Tech Art Solution Private Limited, and today we are going to discuss about Frontier Digital Timer. So this is a Frontier Digital Timer, और आज हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे और इसके एप्लीकेशन के बारे में भी हम आपको लाइव डेमो दिखाएंगे. सो सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो दिस इज़ अ 7-day डिजिटल टाइमर सीरीज कैन बी प्रोड्यूस्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ पावर सप्लाई सोर्स फ्रॉम 240 वोल्ट AC टू 12 वोल्ट DC. ओके, और आउटपुट फॉर्मेट कैन बी ए प्रोड्यूस्ड विथ आइदर वोल्ट फ्री और वोल्ट आउटपुट. सो ये जो भी डिजिटल टाइमर है गाइज, वो हम एक दिन में 16 बार इसे प्रोग्राम कर सकते हैं. सो इट्स डिजिटल टाइमर इज एक्यूरेट इन मिनट एंड डिजाइन विद आइदर 16 ऑन ऑफ इवेंट पर डे. इट इज़ वाइडली यूज इन न्यू लाइट लैम्प, वाटर हीटर, एयर कंडीशनर, बिलबोर्ड, इलेक्ट्रिक कुकर, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज एंड ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट. सो गाइज, ये थे इसके फीचर्स और इसके एप्लीकेशन. अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है और यहाँ पे जो भी ये पुश बटन दिए हुए हैं उनका क्या फंक्शन है. सो सबसे पहले ये क्लॉक बटन है जिससे आप प्रेजेंट क्लॉक सेट कर सकते हैं. जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 12:15 बज रहे हैं, तो यहाँ पे आप 12:15 सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आवर सेट कर सकते हैं और यहाँ पे मिनट सेट कर सकते हैं. सो आप प्रेजेंट टाइम में भी इसे सेट कर सकते हैं. ये टाइमर है जिसकी मदद से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं ऑन ऑफ का. ये डे है जिसकी मदद से आप डे का भी सेट कर सकते हैं कि कौन से डे पे आपको कौन सा टाइमर रखना है. उसी तरह ये आवर का है और ये मिनट का है. सो गाइस, हम देखते हैं टाइमर का डेमो. सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 32 मिनट्स हुए हैं यहाँ पे हमारी क्लॉक में. सो हम यहाँ पे टाइमर क्लिक करते हैं और अब हमें मिनट सेट करनी है. सो हम यहाँ पे टाइमर सेट करते हैं 33, और जो कि ऑन का है. और फिर से हम टाइमर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम 33 क्लिक करते हैं. ओके, और यहाँ पे हमने क्लॉक. ओके, सो अब आप देखेंगे कि ये टाइमर 33 पे ऑन हो जाएगा और 33 पे वापस से ऑफ हो जाएगा, 34 पे ऑफ हो जाएगा. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने 33 पे इसे ऑन में डाला था तो ये रिले आउटपुट शुरू हो चुका है. दैट मीन्स कि वो टाइमर इज़ ऑन. और हमने इस वक्त ऐसी सेटिंग की है कि ये 34 पे वापस ऑफ हो जाएगा. सो देखते हैं कि 34 पे ऑफ होता है कि नहीं. सो गाइज, इसी तरह आप हमने यहाँ पे मिनट का सेट किया हुआ है. आप यहाँ पे आवर का सेट कर सकते हैं और यहाँ पे डे का भी आप सेट कर सकते हैं कि आपको कौन से डे पे कौन सा टाइमिंग पे आपको टाइमर शुरू करना है और कौन से वक्त पे बंद करना है. सो यू कैन मैनेज एवरीथिंग. सो और गाइज, इसके डिज़ाइन की खास बात यह है कि इसको आप वॉल पे भी कर सकते हैं और पैनल में भी आप इसे फिट कर सकते हैं. सो आप अपनी एप्लीकेशन के अनुसार इसे आप जहाँ चाहे वहाँ पे लगा सकते हैं. सो अब हमारा जो भी टाइमर का टाइम है वो पूरा होने को आया है, ओनली 6 सेकेंड लेफ्ट. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रिले अब बंद हो चुका है. सो गाइस, मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि यहाँ पे डे का सेटिंग कैसे करना है. सो यहाँ पे टाइमर एंड हमें यहाँ पे डे क्लिक करना है. सो आप देख सकते हैं कि आप जो चाहे वो आप डे सेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी सेट कर सकते हैं, ग्रुप में भी सेट कर सकते हैं. और उसी तरह से आप यहाँ पे आवर का भी सेट कर सकते हैं कि आपको अगर घंटों के मुताबिक आपको सेट करना है तो भी आप यहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद वापस क्लॉक में जाना है. सो गाइस, ये था हमारा वीडियो फ्रंटियर डिजिटल टाइमर पे. होपफुली आपको कुछ हेल्पफुल होगा. और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच.